इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण इवेंट की, जिससे एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न हर बार पूछा जाता है। हम बात करेंगे एयरो इंडिया शो 2021 की, एशिया का सबसे बड़ा जो एयर शो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपको थंबनेल में प्रश्न दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि एयरो इंडिया शो 2021 की शुरुआत किस शहर में हुई है। शहर की बात करें तो बेंगलुरु, राज्य की बात करें तो कर्नाटक, यानी कि आंसर है इसका बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि एयरो इंडिया शो 2021 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर है 13वें। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयरो इंडिया शो 2021 का आयोजन किस भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, या जेलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन देख कर ही पता चल गया होगा कि बेंगलुरु में इसका अगर आयोजन हो रहा है तो एयरफोर्स स्टेशन भी कौन सा होगा, जेलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु। इस प्रश्न का क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एयरो इंडिया शो की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1996 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयरो इंडिया 2021 की टैगलाइन क्या है। तो एयरो इंडिया शो 2021 की टैगलाइन है ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। अगर आपने हमारा थंबनेल देखा होगा तो उसमें भी जो साफ साफ जो हमने इमेज लगा रखी है, उसमें जो एयरो इंडिया शो का जो लोगो लगा रखा है उसमें जो साफ लिख रखा है ए रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और इसकी अगर थीम की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता, थीम क्या थी, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है कि एयरो इंडिया शो का आयोजन कितने साल के अंतराल के बाद किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल या 2 साल। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा अगर आपको एग्जाम में जो पूछा गया, तो 2 साल एयरो इंडिया शो का आयोजन किया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में और इसका आयोजन किया जाता है हर 2 साल के बाद। और 2021 में कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, तो 13वें। नेक्स्ट है कि किस देश के लड़ाकू विमान B-1B लॉन्चर ने एयर इंडिया शो में हिस्सा लिया है, एयरो इंडिया शो में हिस्सा लिया है। तो किस देश के लड़ाकू विमान B-1B लॉन्चर ने एयरो इंडिया शो में हिस्सा लिया है। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा अमेरिका, अमेरिका। अब देखिए, DRDO के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि देखिए इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, रक्षा मंत्रालय प्लस DRDO के द्वारा। तो सबसे पहली बात, DRDO की फुल फॉर्म क्या है, तो इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो ये भी आप याद रखेंगे। DRDO का अगर मुख्यालय की बात की जाए तो DRDO का मुख्यालय है, DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO के अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल विमान उड़ाने वाले पहले पायलट कौन थे। देखिए, सबसे पहले जो राफेल विमान है उन्हें किस देश से खरीदा गया, भारत के द्वारा। 36 विमानों को खरीदा गया, खरीदा जाएगा, 4 विमान भारत में आ चुके हैं और किस देश से खरीदे गए हैं, तो फ्रांस से। प्रश्न पूछा गया कि राफेल विमान उड़ाने वाले पहले पायलट कौन थे, या पहले पायलट कौन बने, तो वे हैं हिलाल अहमद, हिलाल अहमद, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो ऑप्शंस है सुमन सिंह, भावना कांत, शिवांगी सिंह या कल्पना कुमारी। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा शिवांगी सिंह। अब देखिए, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, जल सेना दिवस यानी कि नेवी डे, वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर, और थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 8, 4, 12, 3, 15। तो जे आप याद रखेंगे, जे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में इतना ही, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते थे वो सारे ही हमने डिस्कस किए। इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतने प्रश्न आप इस इवेंट से याद रखिएगा, क्योंकि इस इवेंट से प्रश्न आपको हर बार हर एग्ज़ाम में जो आगे एग्ज़ाम आएंगे उसमें आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।